दिन भर जॉब करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, ऑफिस में बैठता हूँ, तो रात में जब ध्यान करने बैठता हूँ तो मैं ठीक से बैठ नहीं पाता, नींद पूरी नहीं होती, शरीर में थकावट रहती है। ऐसा क्या खाऊं कि शरीर में एनर्जी बनी रहे? ऐसा कई साधकों का प्रश्न है। मेडिटेशन साधना टेक्निक में आशीष आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, ये अगर देखा जाए तो अधिकतर साधकों की समस्या है कि ध्यान में उनको एनर्जी फील नहीं होती, ध्यान में बॉडी में आलस रहता है, नींद जैसी लगती रहती है। तो ऐसे क्या तीन चीज़ें आप करें जिससे कि आप ध्यान में एनर्जेटिक रहें? बहुत छोटा वीडियो है, पूरा सुनिएगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हम ऐसी क्या तीन चीज़ें करें जिससे कि आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। कुछ और चीज़ें भी हैं जो अधिक लेवल तक प्रभाव डालती है, लेकिन ये तीन चीजों का पालन आप करेंगे तो एक महीने के अंदर ही बॉडी में एनर्जी रीस्टोर होना शुरू हो जाएगी और आप ध्यान में अच्छे से बैठने लगेंगे। तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि आपकी जो बॉडी में शक्ति ईश्वर ने बनाई है, जिसे पुरुषों में वीर कहते हैं और स्त्रियों में रज कहते हैं, उसको हम वेस्ट करते हैं। हम जब ध्यान के बैचेस में आपको सिखाते हैं तो नियम में पहले लिख देते हैं कि 15 दिन का ब्रह्मचर्य पालन करना अनिवार्य है। दोस्तों, ये एक रहस्य होता है कि अगर कोई भी साधक, गृहस्थ साधक, 15 दिन भी ब्रह्मचर्य में रह सकता है तो भी ध्यान करने की सफिशियंट एनर्जी उसके अंदर रहेगी। तो सबसे पहला आपको गांठ मान लीजिए कि 15-15 डेज का ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपने शुक्र की, अपने जो ईश्वर ने हमें पदार्थ दिया है, जो इस सृष्टि में शरीर का अमृत है जिसे संभालना चाहिए, उस पे आपको ब्रह्मचर्य रखना है 15 डेज का। मैं बहुत बड़ा टाइम पीरियड नहीं दे रहा हूँ, 15 डेज का आपको ब्रह्मचर्य रखना है, ध्यान में एनर्जी बढ़ने लगेगी। दूसरा, दोस्तों, सबसे बड़ा रीजन होता है कि हम भोजन जो करते हैं वो सही नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं मेरे ध्यानी साधकों को कहना चाहता हूं कि नॉनवेज त्याग दीजिए, नॉनवेज मत खाइए। मरा हुआ भोजन, बासी भोजन, जंक फूड, ये सब नहीं खाइए। आप लाइव फूड खाइए, जैसे कि अंकुरित अनाज है, सलाद है, कच्ची सब्जियां हैं। ये मैं समझ सकता हूं कि आप एक दिन में इसको नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे से भोजन में शामिल कीजिए। आप जितना लाइव फूड खाएंगे उतना शरीर में लाइव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, ध्यान में आप अच्छा कर सकेंगे। तो लाइव फूड को अपने भोजन में शामिल कीजिए। और तीसरा, इस पृथ्वी में, इस शरीर में सबसे ज्यादा जो पदार्थ है वो है पानी, जल। और जब भी इसकी कमी होती है तो सृष्टि अपने आप में चेंजेस करती है और हमारे शरीर का भी 70% भाग पानी से बना है, लगभग। आपको दिन में अच्छा खासा पानी पीना है, कम से कम 3 लीटर, या आप 4 लीटर भी पी सकते हैं। एक साथ नहीं पीना है, थोड़ा थोड़ा करके पीना है। एक बार में 250 ml या 300 ml से ज्यादा पानी नहीं पीजिए, लंबे लंबे अंतराल में पानी पीते रहिए, छोटे छोटे अंतराल में पानी पीते रहिए, लेकिन 300-300 ml, 250-250 ml पानी पीजिए। अगर आप दिन के 12 ग्लास भी पानी पीते हैं तो शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी। तीन कारण मैंने दिए, तीनों कारण अपनाइए, तीनों उपाय अपनाइए, एक महीने के अंदर बॉडी रिकवर होने लगेगी। अगर इसके बाद भी अगर आप ये करते हैं और शरीर में कमजोरी बनी रहती है तो फिर हम एक और विधि है उसको भी साधकों को बताएंगे, लेकिन वो लाइव देख के बताई जा सकती है कि आप किस तरीके के हैं, कैसा भोजन करते हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं, उस पर भी हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल एक बहुत बड़ा वर्ग इन तीन उपायों से लाभान्वित होगा। तो सभी इन तीनों उपायों को नोट करिए और अपने जीवन में शुरू कीजिए। आपका और कोई प्रश्न है तो हमें बताइए। दोस्तों, कमेंट बहुत सारे आते हैं और कमेंट में समस्या का समाधान करना संभव नहीं है।
आप तीन दो तीन लाइन लिख देते हैं कि मेरा सॉल्यूशन दीजिए, तो हम कितना उस पर लिख पाएंगे। लेकिन आपके कमेंटों को हम कभी ना कभी उठाते हैं और उस पर वीडियो बना देते हैं, जिससे कि आप जैसे और हजारों लाखों साधकों को लाभ पहुंचे। तो जो भी प्रश्न है आप कमेंट में डालिए, हम उस पर वीडियो बनाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मेडिटेशन ध्यान साधना टेक्निक्स आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे मिशन को सफल बनाएं।